What is the exact format of writing task one academic? Or what should we write in task one if we are an academic student? So guys, there are lots of questions and numerous questions that always goes in our mind. So today, I'm here to rectify all these queries, solve all these doubts. Hello everyone, this is Parneet. I hope you all are doing good. Task two, the format apa already discussed kar chuke hain, whether you are GT or academic student. However, today we are going to discuss academic task one format. Task one ni jadon gal aundi hai academic de vich, students bahut zyada confuse hunde ne, like what are the don'ts and what are the do's, hai na? Sanu nahi pata kis tarah likhiye and sanu nahi pata ki writing task one nu equal importance deni chahindi hai as like writing task two or not. So guys, task one is as crucial as your task two. Though task one is of less weightage, task one sirf toda 3 band da hunda hai, theek hai? It is of only 3 band. Baki sare band kithe jande hai? Task two de vich jande hai. But you guys could score 3 out of 3 in task one. So hoya na bahut zyada important. So always give equal importance while preparing. A task one nu lightly na lo. E na karo ki main task one nu baad de vich karanga, before 1 week chakanga, ya fir meri daily practice nahi karni, because mere liye ta task two hi bahut zyada matter karda hai. Main task two te hi sara apna time devote karunga. A blunder utthe commit na karo, because agar task two de vich utthe todi thodiyan bahut kamiyan reh giyan, hai na, tusi koi spelling error karti, koi structure nahi paya, ya fir kuch hor उसे ब्लंडर कमिट करती. सो देर आर लॉट्स ऑफ चांसिस कि टास्क वन है जिहड़ा तुहाडा वो इक्वल उन्हूं बना देगा. देखो अगर टास्क वन दे विच तुसी 3 out of 3 लै ले, है ना, एंड तुहाडी रिक्वायरमेंट सिर्फ 6 दी है या 6.5 या 7 दी है, तो फिर देखो बाकी किन्ना स्कोर रह गया जिहड़ा तुसी टास्क टू दे विच अचीव करना. सो मैं बार बार कह रही हूँ टास्क वन इज एज इंपॉर्टेंट एज यूर टास्क टू. ओके, नाउ जदों भी एकेडमिक दे विच टास्क वन आउंदा है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अबाउट वर्ड लिमिट, हाउ मेनी वर्ड्स वी शुड राइट. उत्थे उन्होंने टाइटल दे विच ही लिखिया हुंदा है यू शुड राइट एट लीस्ट 150 वर्ड्स. मीन्स सानू 150 वर्ड्स तां लिखने ही लिखने पैणगे. अगर असी इस तो घट लिखांगे दैन विल डेफिनेटली गेट पेनल्टी, साडा बैंड स्कोर इफेक्ट करेगा. बट अबव लिमिट उन्होंने, हाई लिमिट उन्होंने कुछ भी कंस्ट्रेंट्स नहीं रखे. सो यू कैन गो अप टू 200, है ना, इवन 250 तक भी जा सकते हो. बट 220, 210 इन्ने वर्ड्स मोर देन सफिशियंट होंगे ने. क्यों? नंबर वन, यू आर एकेडमिक स्टूडेंट, तुहाडे लई एनी वर्ड लिमिट सफिशियंट है. नंबर टू, अगर इस तो ज़्यादा लिखोगे तो तुहाडा टाइम वेस्ट होएगा, तो टास्क टू दे लई टाइम तुहानू घट बचेगा. नंबर थ्री, इंपॉर्टेंट थिंग हेयर टू नोट, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नू ए भी देखिया डायलीमा हुंदा कि पहला असी टास्क वन परफॉर्म करिए या फिर असी टास्क टू करिए. गाइज ऑलवेज रिमैंबर, सब तो पहला तुसी टास्क वन ही परफॉर्म करो. नाउ वाई? देखो अगर तुसी पहला टास्क टू परफॉर्म करन बैठ गए, है ना, साढ़े को टोटल टाइम किन्ना, वी हैव 1 आवर, जिसे जो असं डिवाइड कर लें 20 फॉर द टास्क वन एंड 40 फॉर द टास्क टू. जो 40 तो ज़्यादा मिनट्स थोड़े लग गए उत्थे, हो सकता है तुसी 50 मिनट्स लगाते, है ना, तुसी लिख रहे हो तो टाइम का नहीं पता लग गया, तो टास्क वन कदे भी कंप्लीट नहीं होएगा. एंड टास्क वन आते हुए भी तुसी उत्थे गलती करके आओगे, ब्लंडर कमिट करके आओगे. सो हमेशा टास्क वन नू तुसी कंप्लीट कराओ, ठीक है, फटाफट पहला उन्हें कंप्लीट कर दो टास्क वन नू. सो टाइम की अगर गल करिए, वी हैव 20 मिनट्स, है ना, 1 आवर टोटल होंगे जिसे आप 20 मिनट्स लगा लें. माई सुजेशन इज ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट यूर टास्क वन इन 15 to 17 मिनट्स के कंप्लीट कर दो. जिहड़े एंड दे 2-3 मिनट्स रह जांदे ने, दैट आर फॉर प्रूफ रीडिंग. सो गाइज प्रूफ रीडिंग इज मस्ट. प्रूफ रीडिंग अगर नहीं करके आओगे तो कुछ गलतियां तुसी टाइपोलॉजिकल एरर्स आप कर जाने, है ना, कुछ आंदा हुंदा है फिर भी गलत लिख देने, तो वो गलतियां नू रेक्टिफाई करन दे लई प्रूफ रीडिंग इज मस्ट. सो ऑलवेज मेक श्योर इन यूर माइंड कि मैं प्रूफ रीडिंग करनी ही करनी है, तो मैं उहदे लई टाइम कढ़ना ही कढ़ना, चाहे 2 मिनट्स कढ़ा चाहे 3 मिनट्स कढ़ा, फाइन. तो जदों तुहाडा इत्थे 20 मिनट्स दे विच, है ना, एक बार टास्क वन कंप्लीट हो गया, सो यू विल फील कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंस अपने आप थोड़ा बूस्ट हो गया कि मेरा टास्क वन तो हो गया, हूँ मैं जो बचिया टाइम है, मेरे को बहुत टाइम है, सफिशियंट टाइम है, वो मैं सिर्फ टास्क टू से डिवोट करना है, फाइन. ये चीज़ का ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, फाइन.
बैंक स्कोर आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टास्क वन इज ऑफ थ्री बैंड। इन टास्क वन यू कुड अचीव 3-on-3, है ना, 3 बैंड लैने या 2.5 लैने इज नॉट रॉकेट साइज, बट उदे नाल तुहानू थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजीज टिप्स एंड ट्रिक्स दे नाल चलना पाएगा, देन डेफिनेटली यू कुड अचीव। नाउ व्हाट आर द टाइप्स, टास्क वन दे विच जदों टाइप्स दी गल आउंदी है उत्थे तुहानू आ सकदा है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, मैप, प्रोसेस, है ना, फ्लो चार्ट, डायग्राम कोई आ सकती है, या फिर कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, लाइक टू बार्स आ गए, पाई और बार का कॉम्बिनेशन आ गया, लाइन और बार का कॉम्बिनेशन आ गया, इस तरह के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। सो गाइज मेक श्योर जो देखो तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करी फर्स्ट 2-3 डेज तुम सारिया चीजा समझने लगाओ, ए ना करो कि मैं एकदम ही स्टार्ट करना, है ना, मैं अज ही लिखना आ जाए, ए ना करो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवोट योर प्रेशियस टाइम, है ना, टू अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ थिंग्स के किन टाइप्स ने, कि वर्ड लिमिट है, किस तरह लिखना है ना, जो वधिया वधिया बुक्स के कैम्ब्रिज दी बुक्स के सैंपल्स देखो कि किस तरह वो लिखते हैं, मैं किस तरह लिखना है, वोकैबुलरी पे वर्क करो, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे वर्क करो, देन आफ्टर 2-3 डेज स्टार्ट योर फुल फ्लेज प्रेपरेशन, वो तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ओके, नाउ हाउ मेनी पैराग्राफ्स वी शुड मेक इन टास्क वन, दैट्स अगेन अ बिग क्वेश्चन। सो आई सजेस्ट यू गाइज ऑलवेज मेक 4 पैराग्राफ्स दैट आर मोर देन सफिशियंट, कभी भी 5 ना बनाओ, है ना। नंबर 1 इज योर इंट्रोडक्शन, नंबर 2 इज ओवरव्यू, नंबर 3 इज बॉडी पैराग्राफ 1, नंबर 4 इज बॉडी पैराग्राफ 2। कभी भी बॉडी पैराग्राफ 3 ना बना के आओ, टाइम वेस्ट होएगा, मोर देन सफिशियंट ने 4 पैराग्राफ्स इन्हें ही बना के आओ। नाउ नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन किन्ने वर्ड्स की होनी चाहिए एंड वो की होना चाहिए गाइज, इंट्रोडक्शन शुड बी इन 2-3 लाइन्स, है ना, या फिर 4 लाइन्स तक तुम जा सकते हो, इस तो बड़ी इंट्रोडक्शन ना दो, बिकॉज टास्क वन की जी स्टेटमेंट होंगी है वह 1 लाइन की होंगी या 2 लाइन्स की होंगी एंड उन्होंने असं इंट्रोडक्शन के 2-3 लाइन्स के बहुत वधिया तरीके लिख सकते हैं, है ना, ऑलवेज पैराफ्रेज द स्टेटमेंट, ठीक है। एंड अगर आप वर्ड लिमिट की गल करिए दैट इज 20-30 वर्ड्स इन बिटवीन, इन्नी होनी चाहिए है, इस तो ज़्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट होएगा, घट लिखोगे कंप्लीट नहीं होएगी, ठीक है, मतलब एग्जामिनर दे माइंड ते क्वेश्चन जा हो जाएगा कि इन्हें प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया। व्हाट इज द एम ऑफ इंट्रोडक्शन, द एम ऑफ इंट्रोडक्शन इज टू इंट्रोड्यूस द टेक्स्ट बाय पैराफ्रेजिंग एंड टू मेक द एग्जामिनर क्लियर और प्रोवाइडिंग द एग्जामिनर अ हाईलाइटिंग फीचर व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन टास्क वन, है ना, मैं ओवरव्यू दे विच की लिखूंगा, BP1 BP2 दे विच की लिखूंगा, सपोज थानू कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट आई, कोई प्रोसेस आया, है ना, किसे डायग्राम आई, किसे सुपरमार्केट का प्रोसेस आया, या उसकी कोई डायग्राम लेआउट कुछ भी आया, तो उसनों पैराफ्रेज करो इन योर वर्ड्स, उसके विच इंक्लूड होने चाहिए तो सिनोनिम्स, तो वोकैबुलरी सारा कुछ इंक्लूड होना चाहिए जेड़ा तुम्हें बहुत ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, फाइन। सो इंट्रोड्यूस द टेक्स्ट बाय पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेज करके उन्होंने इंट्रोड्यूस करो टेक्स्ट में, ठीक है। उस तो बाद तुसी किस किस तरह की वर्डिंग यूज कर सकते हो, किस तरह की लाइन्स यूज कर दो, सपोज तुहानू उत्थे आया द ग्राफ शोज, है ना, द बार ग्राफ शोज, द गिवन बार ग्राफ शोज, द गिवन लाइन ग्राफ शोज, तो उन्होंने पैराफ्रेज करो, किवें कर सकते हो, लाइक द ग्राफ इलस्ट्रेट्स तुसी वर्ड यूज कर सकते हो, द ग्राफ रिप्रजेंट्स, द ग्राफ शोज, और द ग्राफ डिस्क्राइब्स, द ग्राफ डिपिक्स, कुछ भी तुसी यूज कर सकते हो। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट अ बिग ब्लंडर, लाइक उन्होंने क्वेश्चन के बार ग्राफ आया हों या लाइन ग्राफ आया हों, जो आंसर करते हैं इंट्रोडक्शन लिखने स्टार्ट करते हैं उल्टा कर देंगे, अगर बार ग्राफ आया लाइन ग्राफ लिख देंगे ने, लाइन आया बार लिख देंगे ने, है ना, उन्होंने नहीं पता मैंने फ्लो चार्ट आया है ना, वह कुछ होर ही लिखाते हैं, लाइक उन्होंने डायग्राम लिखाते हैं, कुछ भी लिखाते हैं। सो इस इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तुसी सीधा ग्राफ भी लिख सकते हो, फाइन। ओके, टेबल आया, द टेबल गिव्स इनफॉर्मेशन अबाउट, द टेबल रिप्रेजेंट्स इनफॉर्मेशन अबाउट, इस तरह लिख सकते हो। कॉम्बीनेशन के आया तो कॉम्बीनेशन लिख सकते हो, या फिर अगर कॉम्बीनेशन के कन्फ्यूजन होंगी है लाइक मैं ये नहीं लिखना, द बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ शोज, द पाई चार्ट एंड द लाइन ग्राफ शोज डिपिक्ट्स, तो मैं इतने सीधा की लिख सकता, द डेटा प्रोवाइड्स इनफॉर्मेशन, द डेटा रिप्रेजेंट्स, तुसी इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर तुसी अपना बैंक स्कोर इंक्रीज करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट टिप हियर is always use passive structures in your introduction, ठीक है। हुन देखो सिंपल सिंपल एक्टिविटी लाइन्स ने, लाइक द ग्राफ रिप्रेजेंट, सो तुहानू स्टेटमेंट आई, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ पेपर मेकिंग, है ना, तुहानू इस तरह स्टेटमेंट आई, उसनू पैसिव दे विच किस तरह चेंज कर सकते हो, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स, द डायग्राम डिपिक्ट्स हाउ पेपर इज मेड, इस तरह पैसिव स्ट्रक्चर दे विच तुसी यूज कर सकते हो। जदों पैसिव सेंटेंसेस इनकॉर्पोरेट करोगे इन योर इंट्रोडक्शन गाइज, बिलीव मी, तुहाडा बैंड स्कोर हाफ बैंड अबव जाएगा ही जाएगा, फाइन। सो ये सारिया ने इंट्रोडक्शन दी चीज़ें जिहड़ियां तुहानू हमेशा माइंड दे विच रखनियां ने वैन यू आर राइटिंग टास्क वन।
So here I have a humble request, if you are finding the video useful, to nu like bhi tusi kar rahe ho, please subscribe to my channel and share the video with your friends and don't forget to hit the like button. Now moving on to the overview. Hun dekho second number te overview main dassya. Overview, it all depends on you to see second number te likhna hai ya fir fourth te, means BPs to baad likhna hai ya fir direct introduction to baad likhna hai. But I suggest hamesha overview nu introduction to baad likhe aao. Now overview nu jadon bhi likhna बहुत क्रूशियल ओवरव्यू नु लिखना ओदे विच की चीजां दा तुसी ध्यान रखना है. सो इन ओवरव्यू गाइस ऑलवेज राइट 2 to 3 लाइंस है ना. ओवरव्यू शुड बी योर समरी. सो ओवरव्यू एक समरी हुंदा है. फॉर इंस्टेंस आपा कोई मूवी देखी है ना, मैं कोई मूवी वॉच कीती तां मेरे फ्रेंड ने या किसी ने भी मैनू आके पुछया कि मूवी की सी, मूवी की स्टोरी की सी, ठीक है. तो मैं उन्हें पूरी मूवी सुनाऊंगा, 2.5-3 घंटे की मूवी मैं सुनाऊंगा नहीं, मैं उन्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ा मीन्स मोटी मोटी जो मूवी की स्टोरी सी वो सुना दूंगा. दैट इज योर ओवरव्यू. तुहानू कोई भी ग्राफ आया, सपोज तुहानू बार ग्राफ आया, बार ग्राफ नू पहला ध्यान नाल समझो, समझ के उन्हें अपनी नेटिव लैंगुएज दे विच ट्रांसलेट कर सकते हो इन पंजाबी और हिंदी, है ना, किसी भी लैंगुएज दे विच जो तुसी कंफर्टेबल हो. तो उसनू की करो, एक स्टोरी बनाओ. स्टोरी दी मीन्स समरी कढ़ो, उहदा जिस्ट कढ़ो, क्रक्स कढ़ो. दैट शुड बी योर ओवरव्यू. मीन्स मोटी मोटी चीज़ कढ़ के जिहड़ी समरी है, सपोज तुहानू कोई बार ग्राफ आया, ठीक है, तुहानू इत्थे कोई बार ग्राफ आ गया. यह बार ग्राफ की कर रहा है, इनक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है ना. सपोज यह लिटरेसी रेट है, यह मैन का है या फिर विमेन का आया, विमेन का कुछ डिक्रीज हो रहा है. दैन वट विल बी द ओवरव्यू. ओवरव्यू की होएगा, ये जिहड़ा बारग्राफ से जिहड़ा कुछ भी सी डिपिक्ट कर रहा, लिटरेसी रेट ऑफ मैन इनक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम एज कंपेयर टू वुमेन, है ना. ओवरव्यू हो गया ना मोटा मोटा. यह नहीं मैं दसिया कि 1980 एना सी, 2000 एना सी, या फिर बिच फ्लक्चुएट हो रहा है, कुछ हो रहा है. मीनस मैं उपरों उपरों दसता दैट इट इनक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. मीनस ओवरव्यू शुड बी योर समरी. फाइन, हुण ओवरव्यू नूं स्टार्ट किवें कर सकदे हो. ओवरव्यू नूं हमेशा ओवरऑल तो स्टार्ट कर सकदे हो, ओवरऑल कॉमा उस तो बाद उहनूं स्टार्ट कर दो, ठीक है. एंड गाइज ट्राई करो, ओवरव्यू हमेशा वन सेंटेंस होना चाहिए. कॉम्प्लैक्स सेंटेंस तुसी उन्हें बना सकते हो, बट ये नहीं कि उसमें फुल स्टॉप लगा लगा के तुसी 2-3 सेंटेंसेस बनाते, फिर वो ओवरव्यू नहीं रहेगा, ठीक है. वन सेंटेंस समरी ये होनी चाहिए, इन हमेशा माइंड के बना के रखो. एंड इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज टू नोट इज देयर शुड बी नो न्यूमेरिकल वैल्यू इन योर ओवरव्यू. ये नहीं होना चाहिए 1980 दे विच ए सी, या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इनक्रीज्ड बाय 20%, है ना, इस तरह की ईयर्स डेट्स कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्लूड नहीं होनी चाहिए. लाइक ईयर्स डेट्स नंबर्स कुछ नहीं होना चाहिए. ओवरव्यू शुड नॉट बी लेंथी. ये नहीं होना चाहिए कि तुसी सेंटेंसेस बनाई जा रहे हो, 2-3 सेंटेंसेस बनाते. नो, इट शुड बी वन सेंटेंस समरी, बस खत्म. फाइन, ओके, देयर शुड बी नो कनेक्टर्स. हुण जदों असीं फुल स्टॉप ही नहीं लगा रहे उत्थे तां कनेक्टर्स आउण दा तां कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, समझ आ गया. कॉम्पलैक्स स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर्स तुसीं ऐड कर सकते हो बट कनेक्टर्स ना पा के आओ. उहदे विच कनेक्टर एक हो गया स्टार्टिंग ते, दैट इज ओवरऑल इट्स मोर दैन सफिशियंट. सो गाइज मेक श्योर, है ना, इट्स वेरी क्रूशियल, ऑलवेज सिट विद फुल कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ओवरव्यू है जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओवरव्यू ना तुसीं इह समझ लो, ओवरव्यू पूरा घुमा सकदा है ना. इट कुड टर्न अप योर टास्क वन बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी कि ओवरव्यू पढ़ के ही एग्जामिनर नूं एक हाईलाइटिंग फीचर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड कि मैं की लिखना चाह रही हूँ, ओवरव्यू की है. मतलब इन्ना बड़ा ग्राफ जिन्हों तुसीं लिखन जा रहे सी 150 to 200 वर्ड्स दे विच, उन्हों सारे नूं तुसीं वन सेंटेंस समरी दे विच प्रोवाइड करन जा रहे हो. सो ओवरव्यू इज वेरी सिग्निफिकेंट, उहदे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो. जदों प्रिपरेशन करदे हो ना उदों ही ओवरव्यू ते काफ़ी टाइम स्पेंड करो. एंड डिफरेंट डिफरेंट तुसीं टास्क वन चको, उहदा सिर्फ ओवरव्यू ही लिख के देख लो, उहनूं चैक करवा सकदे हो, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तुहाडा बैंड स्कोर पक्का हाई जाएगा ही जाएगा. फाइन, नाउ 2 पैराग्राफ्स साडे हो चुके. नाउ कम्स टू बॉडी पैराग्राफ्स. बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2, नेवर मेक बॉडी पैराग्राफ 3, ठीक है. टोटल 4 पैराग्राफ्स ही बना के आओ. बीपी 3 की कोई जरूरत नहीं होंगी, है ना, इट्स नॉट मैंडेटरी एंड देर इज नो नीड. जो बना के आओगे तो टाइम वेस्ट ही करके आओगे. नाउ बीपी 1 के 4-6 लाइन्स होनी चाहिए ने. एंड बीपी 1 के हमेशा प्रोवाइड करके आओ अपने हाईलाइटिंग फीचर, मीनस राइट करो अपने मेन फीचर. हूँ जो भी सू एक डायग्राम आँदी है या कोई भी ग्राफ आंदा है ना,
कोई टेबल आता है तो उन्होंने पढ़ के सानू पता लग जाता है कि मेन हाईलाइटिंग फीचर्स की हो रहे हैं, मीनस कोई ट्रेंड इनक्रीज हो रहा है, कोई डिक्रीज हो रहा है, वह चीज़ा तुम बीपी वन के लिखो जो मेन मेन चीज़ा ने। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ा ने लाइक कितने फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड आया है ना, कि इनक्रीज होया फिर डिक्रीज होया, वो वही है सारे अदर एरियाज तुम एक्सप्लेन कर सकते हो इन बीपी टू। बट बीपी वन के हमेशा ट्राई टू राइट डाउन द मेन हाईलाइटिंग फीचर्स। ओके, हम बीपी वन सीधा स्टार्ट कर सकते हो इन रिगार्ड्स टू डैश, इन रिगार्ड्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन रिगार्ड्स टू मैन, इन रिगार्ड्स टू चिल्ड्रन, इन रिगार्ड्स टू स्कूल, कुछ भी तुम्हें आया तो सीधा इन रिगार्ड्स टू लगा के स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट बीपी टू? बीपी टू के अगेन 4 to 5, इतने 4 to 6 लिख के 4 to 5 लाइन्स, मीन्स इक्वल वेटेज होनी चाहिए। यह नहीं कि बीपी वन तो 8-10 लाइन्स के लैगे तो बीपी टू के सिर्फ तुहाडे कोल 4 to 5 लाइन्स रह गई। ठीक है, देखने को भी वधिया लगे। सो ऑलवेज पैराग्राफ लॉजिकली ये भी बैंड स्कोर होंगे ने इन योर टास्क रिस्पोंस। फाइन, अदर एरियाज इतने एक्सप्लेन करो। हूँ अगर बीपी टू के कोई अपोजिट व्यू है, कोई कॉन्ट्रास्टिंग व्यू है, तो उन्होंने स्टार्ट कर सकते हो इन कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, उस तो बाद स्टार्ट कर दो, या फिर द लगा के भी सीधा स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर कुछ एडिशन कर रहे हो फर्दर मोर, है ना, इन एडिशन टू ईट, तो ये वाले कनेक्टर्स लगा के बीपी टू स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट हाउ यू शुड राइट टास्क वन, लाइक वट शुड बी इंक्लूडेड, है ना, इन योर टास्क वन। देयर शुड बी गुड इंट्रोडक्शन जिदे पैराफ्रेज करोगे क्वेश्चन स्टेटमेंट विद passive statements. Number 2 should be your overview. Overview ki hundi hai one sentence summary jinu tusi mind de vich bana ke rakho, kade vi lengthy na karo. There should be no numerical values, hai na, is tarah unnu likhe ho, and there should be no connectors jidi need hi nahi hagi. Third should be your bp1 and fourth is bp2. Ede vich tusi 4 to 6 in between lines likh ke aa sakde ho. bp1 de vich hamesha highlighting features provide karo and bp2 de vich jehde remaining areas ne unna nu provide karo. So I hope the exact format of task 1 academic is clear to you guys, and if you have any doubts or queries you could write me in the comment section. Thank you so much, bye bye, take care.